सो ये वाले पैच के लिए यहाँ पे पैर रखना है, फिर यहाँ पे ऐसे करके हमें जाना है ऊपर। अगर बारिश में आओगे तो प्रॉपर रबर वाले शूज़, ग्रिप वाले शूज़ पहन के आना, नहीं तो स्केट होने का चांस बहुत है। सामने का नज़ारा देखिए, पूरा फॉग निकल रहा है यहाँ से, जुरासिक पार्क की फीलिंग आ रही है अभी। मेरे यहाँ पे सामने आप देख सकते हो गुप्त दरवाज़ा। सो गाइस, यहाँ से एंट्री करने के बाद है ना, आप देख सकते हो कुछ इस तरह स्टेयर से, और इस तरह इसको एक तो है गाइस, वेलकम बैक टू नीलेश कदम राइड। और आज मैं जा रहा हूँ फिर से यहाँ से कहीं और, ये है सूरज का घर। तो यहाँ से अभी हम ऐसे निकल रहे हैं मानगढ़ के लिए, किले मानगढ़। सो गाइस, अभी हम जस्ट यहाँ पे आ चुके हैं किले मानगढ़ का जो एक एंट्री पॉइंट है वहाँ पे। इसके पहले आपने जो ड्रोन शॉट देखा था वहाँ पे हम रुके थे, महादेव जी का मंदिर था, और अभी तो उसके अवशेष बचे हैं। उसके बाद फिर वहाँ से जस्ट आगे आने के बाद कुछ यहाँ पे बाइक पार्क करके कुछ ऐसे हमें चढ़ना है। आपको यहाँ पे किले मानगढ़ का रूट भी यहाँ पे बताया गया है, जैसे आपको जाना है ऊपर। फोर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको टोटल आधे घंटे में ये ट्रैक कर सकते हो, फोर्ट पे जा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, आपको ना कुछ ऐसे आना होगा, देखिए कुछ इस तरह रूट है, देख सकते हो। अभी तो वीडियो देख के आप इस फोर्ट पर आ सकते हो, और फोर्ट के ऊपर क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पर जाने के पहले रूट में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो देख लीजिए। लाइन से हमें ये अभी दूसरा छोटू सा वाटरफॉल दिखने मिला है। सो गाइस, 5 मिनट चलने के बाद है ना, आपको ये वाले स्टेयर्स दिखाई देंगे। तो इन स्टेयर्स को फॉलो करते करते आप फोर्ट तक जा सकते हो। अगर आप धूप में आओगे तो आपको ज़्यादा मतलब थकावट नहीं फील होगी, क्योंकि इतना बड़ा फोर्ट नहीं है। कुछ कुछ सीढ़ियाँ कुछ ऐसे की देख सकते हो, आड़ी तेड़ी है, तो उसके ऊपर थोड़ा संभाल के पैर रख के चलना होगा आपको। कुछ इस तरह आपको ऊपर आना है। ये प्रॉपर रूट है या नहीं पता नहीं, पर ऑलमोस्ट सब लोग यही रूट यूज़ करते हैं। बारिश ने स्वागत कर लिया अभी हमारा, तो रेनकोट भी पहन लिया, थक गया मैं। हम अभी ज़्यादा ट्रैक करते नहीं तो इस वजह से थोड़ा सा थक रहे, पर अगर ऐसे ट्रैक करते रहेंगे 2-3 दिनों में तो प्रॉपर ट्रैकर बन जाएंगे, ऐसा लग रहा है अभी। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं, देख सकते हो, मतलब अब बोल सकते हैं कि ऊपर पहुंच चुके हैं, क्योंकि सामने ही दिख रहा है हमें यहाँ पे एक मंदिर। और ये पूरा फोर्ट का व्यू देखिए कुछ इस तरह है। यहाँ पे लिखा है किले मानगढ़, तालुका मानगांव, जिला रायगढ़। तो ये पूरा पढ़ लीजिए, आपके लिए थोड़ा सा यूज़फुल इंफॉर्मेशन है। मतलब ये जो यहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ, ये सब यहाँ पे फोर्ट के ऊपर पाई गई थी, और उसके बाद यहाँ पे रखी गई है। और ये बाजू में मंदिर, तो यहाँ की जो गढ़ देवता है विंजाई देवी, उनका यहाँ पे मंदिर है। तो ये देख लीजिए किले मानगढ़ विंजाई माता मंदिर, विंजाई माता मंदिर, कुछ इस तरह है मंदिर। मंदिर के आगे हम निकल रहे हैं आगे जाने के लिए, जहाँ पे कमान है, बुरुज है, तो वो आपको एक व्यू दिखाते हैं, और प्लस उसके ड्रोन शॉट भी है। तो देख लीजिए पूरे इस फोर्ट की जर्नी को हमारे, और कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं वो देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा गड़ाचा दिशन है, मतलब फोर्ट के लिए ये रूट आपको लेना है। और रास्ता देखिए कुछ इस तरह है, पूरा पत्थरों से बना हुआ है, पत्थर मतलब पहाड़ को चीरते हुए इस रूट को बनाया गया है। तो ऊपर जाने का रूट कुछ इस तरह है, आप देख सकते हो। हमें थोड़ा सा सेफली जाना है आगे। बारिश के कारण अभी ये थोड़ा ना स्लिपरी हो गया है जगह। अगर बारिश में आओगे तो प्रॉपर रबर वाले शूज़, ग्रिप वाले शूज़ पहन के आना,
मुझे स्केट होने का चांस बहुत है। तो ऊपर आने के बाद ना आपको कुछ इस तरह छोटी सी पायवाट मिलेगी आपको। अभी पायवाट को हिंदी में क्या बोलते पता नहीं। और ये देखिए पूरा लाइक स्लीपरी है, अगर कोई गया तो अरे नीचे जाएगा। एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ, सेफली लैंड। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो बारिश में, थोड़ा ट्राई करना मत आना, बारिश के बाद ही आना। तो ये वाले पैच के लिए यहाँ पे पैर रखना है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे करके हमें जाना ऊपर, ऐसे ही जाना पड़ेगा। पार हो गया वहाँ से, अभी हमारा एक स्टेप, अभी जा रहे आगे। यहाँ से सामने का नज़ारा देखिए, पूरा फॉग निकल रहा है यहाँ से, जुरासिक पार्क की फीलिंग आ रही है अभी। और ये है मानगढ़ महादरवाजा, देखिए किले के अवशेष देखिए आपको प्रॉपर दिखाई देंगे। कुछ यू टाइप उसका यहाँ पे है, जैसे कि बड़े बड़े फोर्ट पे होता है हमारे महाराष्ट्र के, उस टाइप। सो गाइस यहाँ से ऊपर आने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह है यहाँ पे। और यहाँ पे ना कुछ तो है, पता नहीं क्या है, एक बार आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत लोग अलग अलग बात करते हैं, पता नहीं क्या है ये। इसके बाद यहाँ से सीधा जाएंगे फोर्ट के यहाँ पे, ये देखिए फोर्ट का महादरवाजा। कुछ इस तरह दिख रहा है ये फोर्ट का महादरवाजा, वो जा रहे हैं आगे। तो फाइनली हम अभी ना फोर्ट के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ना यहाँ पे घर का पूरा विशेष कुछ इस तरह है। और अभी हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या है यहाँ पे। तो चले जा रहे हैं अभी। अभी पानी के काफी उस टाइम में ना पानी कैसे फोर्ट के ऊपर सेव कर देते थे, तो इस प्रकार करते थे हर फोर्ट पे महाराष्ट्र के, कुछ इसी प्रकार पानी को सेव करते हैं। तो अभी और भी आगे एक बुरुज है, वो देखना है, उसके पास फिर आगे और आगे जाना है। तो धीरे धीरे आपको सब बता जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पे बुरुज के यहाँ पे, जो कि ना यहाँ पे देख सकते हो काम हो रहा है, अभी काम चल रहा है। इसको ना गवर्नमेंट ने अभी सैंक्शन किया है ये पूरा इसका स्ट्रक्चर करने के लिए। तो इसका काम अभी तक यहाँ तक हुआ है। और सामने का नज़ारा देखिए, देखिए क्या मौसम लग रहा है सामने, पूरा ये फॉग ऊपर आ गया, अभी तो गायब हो गया सामने से। अभी जस्ट यहाँ पे हल्का सा कोहरा था, अभी पूरा कोहरा ही कोहरा हो गया। ये देखिए सामने, हमने वहाँ पे गाड़ी लगाई है और वहाँ से हम चलते चलते ऊपर आए थे। सो गाइस देखिए कुछ इस तरह अभी यहाँ का मतलब हाल है। ये काम चल रहा है और ये सब अभी लगना बाकी है, धीरे 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 आगे लगेगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये है शिवलिंग मतलब शिव मंदिर है यहाँ पे, और सामने है पिंड देख सकते हो। सो सामने है ये पिंड, और यहाँ पे पूजा होती थी उस टाइम। मंदिर है यहाँ पे शिव मंदिर, ये देखिए। सो मंदिर के आसपास हम जा रहे हैं आगे। आगे भी पानी की टाकी है वो देखने के लिए, उसके बाद फिर हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट होगी, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सो गाइस हम वहाँ से घूम के आए, यहाँ से बीच में से आए, अभी यहाँ से हम जा रहे हैं यहाँ पे नीचे। तो राइट हमने पूरा फोर्ट का एक सर्कल किया है, प्रदक्षिणा का बोल सकते हैं, प्रदक्षिणा करके अभी यहाँ से नीचे जा रहे हैं। बारिश गिर रही है और ये पत्थर भी स्लीपरी है, तो बहुत संभाल के चलना पड़ रहा है। प्लस ये मिट्टी भी आपको पता ही होगी बारिश में क्या हालत होती है मिट्टी के ऊपर चढ़ने की।
अच्छा ओके, हमने वहाँ से एंट्री की थी, वो था मेन दरवाज़ा, और फिर वहाँ से हम ऊपर आए थे। अब यहाँ से उतर के फिर से हम जा रहे हैं वहाँ पे आगे, लेफ्ट साइड में पानी की टाकी है वो देखने के लिए वहाँ पे। तो वहाँ से हम आए, ये महादरवाज़ा है, और यहाँ से सीधा जा रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे भी थोड़ा रिस्की है सेक्शन, यहाँ पे भी है हनुमान टाकी, मतलब पानी का यहाँ पे भी टाकी है जो उस टाइम गढ़ के ऊपर लोग यूज़ करते थे। पूरे साल भर ये पानी चलता है, टिकता है। सो ये पानी के जो टाकी है उसके यहाँ से ऊपर हम जा रहे हैं, और यहाँ पे नीचे खाम टाकी है, खाम टाकी ऊपर के एक टाकी है, और अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर देखते क्या है। बाप रे, ये रास्ता बहुत डेंजरस है। तो अभी हम फोर्ट के उस एक पार्ट पे आ चुके हैं जहाँ पे ना यहाँ का एक गुप्त दरवाज़ा है, जो कि मेरे यहाँ पे सामने आप देख सकते हो, गुप्त दरवाज़ा। सो गाइस, यहाँ से एंट्री करने के बाद है ना, आप देख सकते हो कुछ इस तरह स्टेयर से, और इस तरह इसको एक लाइक पूरे दरवाजे का शेप दिया है, तो ये एक गुप्त दरवाज़ा है उस ज़माने का। और उसके बाद सामने का नज़ारा देख सकते हो, तो देखिए ये पूरा वैली है, मतलब यहाँ से ना उस टाइम में रैपलिंग करके या फिर रस्सियों से या फिर कोई तो एक रास्ता होगा, आगे कुछ सालों में पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संवर्धन हो रहा है। यहाँ का जो एक दुर्गावीर प्रतिष्ठान है वो यहाँ पे पूरे 110% वो लोग दे रहे हैं ये इस घर को अच्छा बनाने का, और कुछ अगर कोई इतिहास छुपा हो तो उसको निकालने का, जिससे इस घर का भी कुछ ऐसे कॉमन लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले कि इस घर के ऊपर उस टाइम में क्या हुआ था, और हमें हमारे बच्चों को बताने के लिए कुछ मिल जाए। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते आगे, और देखते आगे का प्लान क्या है, आगे और क्या क्या है, लेट्स सी। तो गाइस, यहाँ का अगर आप मेरे को पूछोगे कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन क्या है, तो मेरे ख्याल से तो ये ना जो गुप्त दरवाज़ा है वो है, वही है देखने जैसा। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो गुप्त दरवाज़ा तक ज़रूर आना। तो फिर से हम आ गए यहाँ पे महादरवाज़ा के यहाँ पे, तो यहाँ से हमें फिर से ऊपर चढ़ना है और वहाँ पे जाना है, वहाँ पे भी एक पानी की टाकी है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे पानी की टाकी है देख सकते हो, और ये है धान्य कोठार। तो सात वाहन कालीन लेनी और धान्य कोठार है यहाँ पे। सो गाइस देखिए, कुछ इस प्रकार है और देख सकते हो, और यहाँ पे पीने का पानी का मतलब उस टाइम में किया हुआ एडजस्टमेंट, यहाँ पे लोग आते थे और पानी पी के थोड़ा रेस्ट करके फिर जाते थे। सो चलिए अभी फिर से जाते बाहर। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे भी ना कुछ एक सेक्शन है जहाँ से सामने गेट के ऊपर एक नज़र रखने के लिए, और यहाँ से सीधा दिखता है गेट। तो गाइस, ये वीडियो यही तक था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और स्पेशली यहाँ के ड्रोन शॉट और इस अगर फोर्ट को आपको विजिट करना है तो कैसे आना है, उसके लिए आपको ना आप लाइक कुंभे जाते हो, तो कुंभे जाने के वक्त आपको ना एक मानगढ़ का राइट आता है, तो वो राइट लेके आप ना हार्डली कुछ आपको 2 से 3 किलोमीटर अंदर आना है, उसके बाद आपको फोर्ट का जो मैंने रूट बताया उस रूट के थ्रू आप अंदर आ सकते हो और फोर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। और आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे और भी एक्सप्लोरेशन होने वाला है, तो मेरे ख्याल से मैंने आपके लिए बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है इस ब्लॉग के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।